नमस्कार दोस्तों, आज है शनिवार और शनिवार आज इसलिए खास दिन है कि एक तो भाई आया है। देखो ये मेरा बड़ा भाई है नरेंद्र, और इधर देखो एक और भाई आया है प्रदीप सोरान। ये जरूर देखा होगा आपने चेहरा, पूरे रोहतक को बर्फी खुआ खुआ के चाय प्या के लाल बना रखे है, और मना कर रखा है कि भाई ने घर आओ जब मिठाई ना लेके आया अगर, क्योंकि मैं वजन कम करूँ। लेकिन ये पूरी साजिश रचता है अपने भाई के साथ और वजन कम नहीं होने देता मेरा। प्यार है, साजिश नहीं है। और इससे बढ़िया बात नहीं है। तो ये मोटापा बढ़ाएगा नहीं भाई साहब। और दूसरा प्रदीप भाई, बागड़ी मिल्क पार्लर है भाई रोहतक में, नाम सुना होगा जरूर। कभी भी रोहतक आओ, भाई के पास आना और चाय पकौड़े और शुद्ध मावे की बर्फी। अच्छा ये भी है, ये खाने की ये तो मोटापा नहीं बढ़ाएगा है, ये मोटापा नहीं बढ़ाएगा। ये देखो भाई, ये लो भाई, ये देखो खीर। मेरी मतलब हर कमजोरी ये आदमी जानते हैं, भाई है ना, इसलिए तो ये खीर है। और भाई इसलिए आया इस हिसार से क्योंकि हमने जाना है अपने ताऊ कृष्णचंद्र दैया के पास। इतिहासकार हैं और खास बात यह कि एक ग्रामीण अंचल से निकले हुए खेती किसानी करने वाले आदमी हैं। बहुत सारी किताबें उन्होंने जाट इतिहास पे स्पेशली लिखी हैं, और पिछले दिनों उनको ब्रेन स्ट्रोक आया और उसके बाद उनका ऑपरेशन हुआ है। मिलने जाना जरूरी है, और घर वालों ने बोले ताऊ के हाथ पास जाओगे खाली हाथ नहीं जाना, ताऊ को ये चादर भी उड़ा के आवाँगे आज। अब चलेंगे खरखोदा, लेकिन उससे पहले मैं ये बर्फी और खीर निपटा दूँ, फिर आपको खरखोदा ताऊ कृष्णचंद्र दैया से मिलवाऊंगा। दिल का दौरा जाता है, मैंने सुना के दिल का काम नहीं, जो ब्रेन का ये चक्कर कर रहा है इस आखिर माता का रोज बच गया था। ये तो वाला टॉपी है, मैं इन किताब के एपिसोड भी बनाऊंगा छोटे छोटे। मैं तुम्हें कहता आया था हूँ ठीक है भाई, ठीक है भाई। ठीक है काका विकी भाई, भाई साहब देखिए खरखोदा में चोई छोटराम, ये चोई टीकराम द्वार है, जागृति स्थल है, शायद इनका समाधि स्थल भी अंदर ही है। और खास बात यह है कि चोई छोटराम की जो लीगेसी थी ये इन्होंने इसको आगे डिलीवर किया, आगे बढ़ाने में अपना बड़ा योगदान दिया। और चोई टीकराम ने चोई छोटराम के ऊपर एक किताब भी लिखी है जो अभी भी थोड़े दिन पहले रघुवीर सिंह दैया जी मैंने देख करके पढ़ रहा हूँ। और खास बात यह कि इन्होंने अपनी जो निजी संपत्ति थी चोई टीकराम ने वो शिक्षण संस्थानों को दान कर दी थी, और
बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है सोनीपत जिले में उनका शिक्षण संस्थान खोलने में, तो खरखोदा में उनका स्टैचू देखना वास्तव में सुखद बात है। और ताऊ कृष्ण चंद्र दैया से खूब सारी बातें करी, अब खरखोदा से चल पड़ी, पहले रोहतक, रोहतक से पाई जाएगा किसान। तो आज का सफर दोस्तों यही खत्म। Oh yeah.